हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे ओटीटी अपडेट से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले जो ओटीटी अपडेट आ रहा है वो है हॉकआई की टीवी सीरीज का, जो कि हमें सेट इमेजेस मिली हैं काफी सारी। और देन वीडियो को पॉज मत करना, कंटिन्यूस देखना, तुम बहुत बिगड़ गए हो। तो सबसे पहले फ्लोरेंस पे हमें फाइनली हॉकआई के सेट पे देखने को मिली है, और देन कंफर्म हो गया है कि वो इस टीवी सीरीज में है। और अगर टाइमलाइन के अनुसार बात करी जाए तो ब्लैक विडो की मूवी में वो दिखाई गई है, ठीक है, टाइमलाइन के अनुसार। और हॉकआई की जो टाइमलाइन है वो है 2023 की, तो आप खुद लगा लो कि कितना डिफरेंस है ब्लैक विडो की और हॉकआई की टाइमलाइन में। और उसी के साथ आपको हॉकआई टीवी सीरीज में बैड गाइज भी देखने को मिलेंगे, जो कि हॉकआई यूनिवर्स के विलन है। तो हॉकआई और हॉकआई की बेटी कैट इनसे लड़ती नजर आएगी। उसी के साथ वांडाविजन का नेक्स्ट एपिसोड अराउंड 47 मिनट का हो सकता है, ये एक रूमर है, कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है। और अगला अपडेट है डेडेविल का, तो फाइनली सीक्रेट इन्वेंशन में हमें डेडेविल देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, सिर्फ एक रूमर आया है। और देन इस कैरेक्टर को लेके स्पाइडरमैन में भी काफी ज्यादा चर्चा है। और अगला अपडेट है डीसी का ओटीटी अपडेट, तो फेस मेकर की फाइनली शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और काफी सारे हमें बिहाइंड द सीन देखने को मिले हैं, जो कि जेम्स ने खुद ही डाले हैं, तो आप देख सकते हैं। और बताया ये जा रहा है कि इसका प्रोडक्शन इस ईयर तक एंड हो जाएगा, और ये एक सुसाइड स्क्वाड की प्रीक्वल है, तो ये भी देखना बनता है, क्योंकि मूवी देखेंगे और प्रीक्वल नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगी। उसी के साथ हॉकआई ने, यानी कि जेरेमी रेनर ने, एक स्टोरी पर पिज्जा डॉग की इमेज डाली, जो कि काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। और मैं देखना चाहता हूँ कि पिज्जा डॉग कितना ज्यादा ग्रो करता है एमसीयू में, क्योंकि कैरेक्टर काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। और उसी के साथ अगर आपको ओटीपी अपडेट पसंद है जानना, तो नेक्स्ट अपडेट के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर दबाएं। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। जैक स्नाइडर ने कंफर्म कर दिया है कि आपको जैसे लीक में डाई हार्ड फैन वाला कैमियो देखने को मिलेगा, जो कि आप थिएटर तोड़ दोगे, तो देखते हैं वो कैसा कैमियो होगा। उसी के साथ स्टार्टअप, जो कि नेटफ्लिक्स पे हिंदी में आ चुकी है, कोरियन ड्रामा टीवी सीरीज है, जाके देखो, बहुत ही कमाल की है। उसी के साथ अगला अपडेट है, तो फाइनली वीडियो ऑन डिमांड, यानी कि आप रेंट पर देख सकते हैं कलर आउट ऑफ स्पेस। जी हाँ, रेंट पे लेके आप इसे हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी में रिलीज हो चुकी है। उसी के साथ नेटफ्लिक्स का अगला धमाकेदार अपडेट, तो आर्मी ऑफ डेड, जो कि जैक स्नाइडर की अपकमिंग, फाइनली मई के महीने में तारीख को रिलीज होगी 21 को, और ये हिंदी में भी रिलीज होगी। उसी के साथ एक और अपडेट, फाल्कन द विंटर सोल्जर का SFX मैगजीन कंपनी ने एक पोस्टर रिलीज करा, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है, और जीमो का क्लियर लुक नजर आया है। उसी के साथ मनी हाइट्स का सीजन 5 हिंदी में कंफर्म हो चुका है, डबिंग प्रोसेस पे है, और जैसी रिलीज होगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। उसी के साथ आर्मी ऑफ डेड का न्यू बिहाइंड द सीन इमेजेस देखने को मिली है, जो कि बहुत ही कमाल की है। और जैक स्नाइडर देखिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर का काम डायरेक्शन नहीं होता, वो पूरी जी जान से मूवी में घुस जाता है, तभी मूवी परफेक्ट बन के आती है, तो देखिएगा जरूर। उसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड की एक इमेज लीक हुई है वांडा विजन की, तो आप खुद देख सकती हैं, इसमें वांडा को पूरा ढंग से अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। और अगला अपडेट है रियान की तरफ से, तो रियान ने क्लियर कर दिया है कि वो जस्टिस लीग मूवी में नहीं है। जी हाँ, पर कंप्यूटराइज सेट उन्हें ग्रीन लैंटर्न के तौर पे दिखाया जा सकता है, और वो श्योर भी नहीं है, उन्होंने मतलब क्लियर भी नहीं करा, एक तरह से क्लियर भी कर दिया, यानी कि 50-50 चांसेस हैं अपकमिंग जस्टिस लीग में ग्रीन लैंटर्न रियान के। उसी के साथ अगला एक नया ईस्टर एग ओटीटी अपडेट कही कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज में बुक कह सकते हो गायब हो गई थी, वो हमें वांडा विजन में देखने को मिली, और देन ये काफी टाइम बाद लोगों को पता चला, देन कह सकते हो कि वांडा विजन में। और उसके साथ हर्ली क्वीन का सीजन 3 फाइनली प्रोडक्शन में है, और देन आपको ये HBO Max पे देखने को मिलेगा, वरना आप OTP या फिर टॉरेंट से डाउनलोड कर सकते हो। और उसके साथ फाइनली द बॉयज के बाद एक ब्रांड न्यू नेटफ्लिक्स की जुपिटर लेगेसी, जो कि सुपर हीरो टीवी सीरीज है, देखेगा जरूर। और देन इसका फर्स्ट टीजर भी लॉन्च कर दिया गया है। लॉयन ब्रदर्स का फाइनली हिंदी तमिल तेलुगु में रिलीज कर दी गई है। अगर आप 47 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म देखना चाहते हो ब्यूटीफुल नेचर से रिलेटेड, तो उसे देख सकते हैं। दी एरिगुलर्स फाइनली हिंदी में रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पे 26 मार्च 2021 को, तो देखिएगा जरूर। और उसी के साथ अगला अपडेट है फाल्कन द विंटर सोल्जर से रिलेटेड, तो फाइनली कुछ स्टिल इमेजेस रिवील्ड हुई हैं, जिसमें कि फाल्कन कैप्टन अमेरिका की शील्ड को पकड़ के खड़े हुए हैं, और इसके बिहाइंड द सीन यही बताए जा रहे हैं कि शायद कोई कैप्टन अमेरिका को लेकर पार्टी होने वाली है, जिसमें कि सब कैप्टन अमेरिका को श्रद्धांजलि देंगे, भले वो मरे नहीं है पर उनको याद करा जाएगा। और अगली इमेज में फाल्कन द विंटर सोल्जर की जो रिलीज हुई है, उसमें विंटर सोल्जर के हैंड को दिखाया गया है, रियल हैंड को, उनका वकांडा हैंड नहीं दिखाया गया, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो गाइस ये थे वो काफी सारे कमाल के ओटीपी अपडेट्स। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।